रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने गुरुवार को यांत्रिक विभाग के ENHM अनुभाग द्वारा संचालित अंत्योदय कल्याण केंद्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं से मिलकर उन्हें उपहार भेंट किया। तत्पश्चात रेलवे म्यूजियम और कैबवे प्लेटफार्म नंबर 1 और प्लेटफार्म नंबर 9 का निरीक्षण किया। इसके बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने विभाग के सभी अधिकारियों के साथ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर आवश्यक बैठक किया। इस अवसर पर रेलवे के समस्त आला अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कहा, बेटा इधर देखो, इधर देखो, बहुत सुंदर। ये याद दिलाता है, याद दिलाया थोड़ा थोड़ा अलग अच्छा एक बार जरा ये मेरे को घर भैया दिखा दो, इसमें हमारे पास कुछ है माल। और खाने पीने का कर दिए तो प्लांटेशन आइए। पहले ये घर था देखो मैं तो वही आगे सर जा रहे अरुण साक जी। सर सर थोड़ा सा पीछे आप पीछे यहाँ का जो टूरिस्ट का एक आइटम भी है उसमें जो बुकलेट है इनकी टूरिस्ट वाली सभी सर डिटेल्स से मालूम पड़ जाएंगे तो अंदर को फोटोग्राफर का ही तो हो सकता है दीजिए सर को आगे रहने दीजिए सर को आप लोग क्या कर रहे थे।
Okay.
गोरखपुर आए थे हम नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की जो परफॉर्मेंस रिव्यू करने के लिए, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काफ़ी काम हो रहा है। ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की जितनी लाइन है उसके डबलिंग का काम चल रहा है, और काफ़ी कुछ काम मार्च 19 तक हो जाएगा, और अगले साल मार्च 20 तक करीब करीब सारी डबलिंग हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो हमारे ट्रेन की बहुत सारी डिमांड आ रही है हम उसको पूरा कर पाएंगे। इस समय रेलवे में जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिछले सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया है, लेकिन जो पिछले चार साल में जिस तरह से फंड्स अवेलेबल कराए गए और जिस तरह से प्रायोरिटी सेक्टर में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा है, डबलिंग का काम हो रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में अगले आने वाले सालों में जो हमें जितनी रिक्वायरमेंट है ट्रेन की, जो पैसेंजर्स को जो भी ट्रेन चाहिए वो ट्रेन हम चलाने में सक्षम हो पाएंगे। तो आज एक पूरा डिटेल रिव्यू हुआ है इन लोगों के साथ। सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेफ्टी के तहत नॉर्थ ईस्टर्न ने अपने जितने भी अनमैन लेवल क्रॉसिंग हैं उसको एलिमिनेट कर दिया है। ट्रैक रिन्यूअल का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है और सेफ्टी में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में काफ़ी सुधार हुआ है। तो पूरा हमारा फोकस है कि हम ट्रेनों को सही समय से चला सकें, सुरक्षित तरीके से चला सकें, और जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको हम अच्छी से अच्छी पैसेंजर एमिनिटी दे सकें। जहाँ तक गोरखपुर स्टेशन का प्रश्न है, यहाँ पे करीब 12 करोड़ की लागत से गोरखपुर स्टेशन को रिनोवेट करने का काम चल रहा है, और अगले 2 महीने में मार्च 19 तक इसका जो गोरखपुर स्टेशन है इस पर काफ़ी सब रिनोवेशन के काम हो जाएंगे। अच्छे अच्छे जो प्लेटफॉर्म है उसको हम मॉडर्नाइज इम्प्रूव कर रहे हैं, जो वेटिंग रूम है उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लोको सेट गए थे वहाँ पे, देखिए इलेक्ट्रिक लोको सेट नया बन रहा है, बहुत अच्छा। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने बहुत ही कम समय में उस लोको सेट को बनाया है, और आज वहाँ से जो पहला लोको मेंटेन किया हुआ निकला उसको हरी झंडी हम लोगों ने दिखाई। तो एक गोरखपुर के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। अब जितने इलेक्ट्रिक लोको हैं वो सब यहाँ पे मेंटेन होंगे। थैंक यू।